सो गाइस, क्या लगता है आपको, फ्री फायर के अंदर डीजे अलोक को फ्री में बाय किया जा सकता है? अगर हाँ तो आपने अभी तक फ्री में डीजे अलोक को बाय कर लिया होगा और आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि आपके आईडी के अंदर पहले से डीजे अलोक होगा। अगर आपके आईडी के अंदर अभी भी डीजे अलोक नहीं है और आपको लगता है कि फ्री फायर के अंदर डीजे अलोक को बाय नहीं किया जा सकता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत सारे मेथड्स बताने वाला हूँ, बहुत सारे स्टेप्स बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और लास्ट के एंड में आप जाते जाते डीजे अलोक को अपनी आईडी के अंदर बिल्कुल ही फ्री में टॉप अप करके जाने वाले हो। बिल्कुल सही सुना गाइज, बिल्कुल फ्री में आप डीजे अलोक को ले सकते हो। अब जिन लोगों को लगता है कि नहीं यह नहीं हो सकता है, तो भाई प्लीज़ ये वीडियो एक बार लास्ट तक देख लेना। आपको अगर ये जो ट्रिक है अप्लाई नहीं होती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। और गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, आप अपनी फ्री फायर की गेम प्ले की वीडियो यूट्यूब पर डालकर अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हो, तो मेरे को जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना। मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि अपकमिंग जो इलाइट पास होते हैं, अपकमिंग इवेंट्स होते हैं और जो अपकमिंग इमोट्स होते हैं, उन सभी की न्यूज़ आप कहाँ से ले सकते हो, कैसे आप एक यूट्यूबर बन सकते हो और अच्छी खासी इनकम कर सकते हो, तो मेरे को जरूर से कमेंट बॉक्स में बता देना, जिससे कि मैं आपको बता सकूँ कि कैसे आप मेरी तरह एक यूट्यूबर बन सकते हो, कैसे आपको क्या करना होगा और आप भी अर्निंग कर सकते हो। तो अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। अब गाइज, मैं आपको थोड़ी सी उस ट्रिक के बारे में बता देता हूँ। तो जैसा कि गाइज आपको पता है कि जो डीजे अलोक है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना कैरेक्टर है, और अगर ये जो ट्रिक अगर आप नए कैरेक्टर पर अप्लाई करते हो तो नहीं होगी, 100% नहीं होगी गाइज। अगर आप डीजे अलोक और जो पुराना कैरेक्टर है वहाँ पर अप्लाई करोगे तो 100% ये जो वर्क करने वाली है, क्योंकि गाइज जो पुराना कैरेक्टर है वहाँ पर बहुत सारे लीक्स एंड सिक्योरिटी के इश्यूज है, तो उन सिक्योरिटीज़ को हम क्रैक करके वहाँ पर डीजे अलोक को फ्री में ले सकते हो। लेकिन जो नए कैरेक्टर आए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ उनको फ्री फायर के अंदर डाला गया है, तो वहाँ पर उनको बाय नहीं कर सकते फ्री में। तो अगर आप किसी भी कैरेक्टर को लेने जाते हो इस ट्रिक से, तो जो ओल्ड कैरेक्टर है, जो पुराना कैरेक्टर है, उन्हीं के ऊपर ये जो ट्रिक है अप्लाई करना, उसके बाद उस कैरेक्टर को आप फ्री में बाय कर सकते हो। और गाइज, मैं आपको यहाँ पर सब कुछ प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ, और मैं अपनी आईडी के अंदर डीजे अलोक को अनलॉक करके भी दिखाऊंगा, और ये जो अभी लॉक पड़ा है वो भी दिखाऊंगा। ये जो आईडी है, मेरे फ्रेंड की आईडी ली है मैंने, तो उसी के अंदर मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि डीजे अलोक लॉक है, और उस ट्रिक को अप्लाई करके मैं आपको उसको अनलॉक करके दिखाने वाला हूँ लाइव प्रूफ करके। तो यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो इकलौती ऐसी वीडियो जो कि इस ट्रिक पर आई है। अब ये जो ट्रिक क्या है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। जैसा कि गाइज आप देख सकते हो, ये बिल्कुल ही न्यू आईडी है, इसके अंदर हम आ चुके हो, और ये जो आईडी है मैंने कुछ दिन पहले बनाई है, क्योंकि गाइज मेरा जो पहले की जो आईडी है उसके अंदर पहले से ही बहुत सारे कैरेक्टर्स परचेस्ड है, और यहाँ पर उसके अंदर बहुत सारे डायमंड्स भी है, तो आप सोचोगे कि वहाँ से मैंने डायमंड्स डीजे अलोक लिया है, तो मैंने बिल्कुल न्यू आईडी बना दी है। इसके अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे आप डीजे अलोक को ले सकते हैं अपनी आईडी के अंदर, और मैं इसके अंदर आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ कि जो डीजे अलोक है वो कैसे आप अपनी आईडी के अंदर ले सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना, और स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप्स है उनको आप फॉलो करना, तो आपको भी जो डीजे अलोक है वो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कैरेक्टर के ऑप्शन पर जैसे ही जाता हूँ, कैरेक्टर के ऑप्शन पर जाने के बाद हमारे सामने जितने भी कैरेक्टर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो दो कैरेक्टर यहाँ पर ओपन है, उसके अलावा यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर है वो सभी लोग पड़े थे। यहाँ पर डीजे अलोक कैरेक्टर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए गाइस ये रहा डीजे अलोक कैरेक्टर, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 599 डायमंड्स का यहाँ पर परचेस है। यहाँ पर अगर आप 599 डायमंड देते हो उसी के बाद आप इसको अनलॉक कर पाते हो। जैसे मैं परचेस के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो 599 डायमंड का ऑप्शन आ चुका है, और इसी डायमंड के ऑप्शन को यहाँ से हमको हटाना है। तो यहाँ से हटाने के लिए हम यहाँ से बैक चलते हैं, बैक आने के बाद पूरा का पूरा हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद आपको क्या करना है गाइस, इसकी जो एक सेटिंग है उस सेटिंग के अंदर आपको चले जाना है। जैसे ही आप सेटिंग के अंदर जाओगे, यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट लैंग्वेज है वो यहाँ पर आपको कर देनी है तुर्किया। जैसे ही आप तुर्किया यहाँ पर करोगे, आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आपको तुर्किया जैसे ही कर देते हो लैंग्वेज, तो उसके नीचे आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्राउजर का ऑप्शन दिख रहा है, तो वहाँ पर आपको एक सामने एक क्लियर चेज का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। एक बाद आपको एक कनेक्टिंग रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर आपको सेंड रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और सेंड रिपोर्ट यहाँ से कर देना है। तो देखिए हमारी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर सेंड की जा रही है।
सो गाइस आप देख सकते हो हमारी जो रिपोर्ट है वो सेंड कर दी गई है पूरी की पूरी। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है सेटिंग साइंस। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपका जो अपलोड है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे नीचे एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड रिकमेंडेशन, तो यहाँ पर आपको क्या करना है रिजेक्ट कर देना है। जैसे रिजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्विक मैसेज का एक और ऑप्शन दिख रहा है इसके नीचे, उसको भी आपको ऑफ कर देना है। ये ऑफ करने के बाद ये दोनों ही ऑप्शन आपके ऑफ हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे नीचे डायमंड मेंबरशिप का एक ऑप्शन दिख रहा है, उसको आपको ऑन रखना है। और फ्री लक रॉयल का एक ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर आपको इसको ऑफ कर देना है। ये सब करने के बाद आपको एक ऊपर ऑप्शन दिखेगा डिस्प्ले का, तो वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हाई रेंज का एक ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर आपको इसको हाई कर देना है। और हाई करने के बाद इसके नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्थ स्क्रीन को यहाँ पर आपको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपके सामने कंफर्म का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमको चला जाना है बैक, यहाँ से हमारा जो जितना भी काम है वो पूरा का पूरा हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो वेपन का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ईवो गन वाली जो ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये सब इंटरफेस आने के बाद यहाँ से आपको चले जाना है बैक। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको कलेक्शन का ऑप्शन पर आना है और जितना भी कलेक्शन होता है वो ओपन कर देना है। एक बार आपको व्यू के ऑप्शन पर बैक पैक लूट बॉक्स यहाँ पर ऐसा भी ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको वापस बैक आ जाना है, जिससे कि हमारा जो हैक है वो रन हो जाएगा। और इसके अंदर हमको वापस चले जाना है वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड के अंदर हम जैसे ही जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हो अदर का ऑप्शन क्लिक करना है। कैरेक्टर का ऑप्शन जो दिख रहा है वहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है और एक्सचेंज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, इसके नीचे आपको एक बॉक्स दिख रहा है, उस बॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और वापस एक बार एक्सचेंज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक और नीचे आपको पत्ती का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक स्टोरी का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री फायर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें कि बहुत सारे कैरेक्टर्स आ चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हो। तो ऐसा कुछ आपको भी देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप देख सकते हो डीजे अलोक, अलोक इज वर्ल्ड फेमस डीजे रेडी टू ड्रॉप इट बिट, मतलब कि ये आपके आईडी के अंदर ड्रॉप होने के लिए तैयार हो चुका है। व्यू कैरेक्टर को ऑप्शन पर हम क्लिक करते थे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिस पर जितनी भी अलोक की डिटेल्स होगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके नीचे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको लेवल के हिसाब से बताया जाएगा कि किसे कैसे आपको इसको अनलॉक करना है। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 का आप देख सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्ट एक कैरेक्टर, तो यहाँ से भी हम कैरेक्टर को ले सकते हैं, लेकिन ये जो न्यू कैरेक्टर है तो इनको हमको नहीं लेना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो हम चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा आगे। आगे चलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक और कैरेक्टर आ चुका है, हम चलते हैं यहाँ से बैक। ये कुछ सब कुछ करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको यहाँ से टॉपअप करना है। तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक एरो का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके क्रोम ब्राउजर को सिलेक्ट कर देना है। क्रोम ब्राउजर को सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा ही इंटरफेस आएगा, तो यहाँ से उसको बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक और नीचे का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद कुछ नहीं होगा यहाँ पर, आपको यहाँ पर क्लिक जरूर से कर देना है। क्लिक करने के बाद हम चलते हैं यहाँ से बैक। तो आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद मैं आपको बता दूँगा आपको क्या करना है, आपको चले जाना है कैरेक्टर के ऑप्शन पर। जैसे आप कैरेक्टर के ऑप्शन पर जाओगे, सो गाइस मैंने आपको जितना भी स्टेप बताया वो सब आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर देना है। जैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर देते हो आपको कैरेक्टर के ऑप्शन पर आ जाना है। जैसे आप कैरेक्टर के ऑप्शन पर आओगे यहाँ पर आपको डीजे लॉक सिलेक्ट कर देना है। तो मैं अपना जो डीजे लॉक है वो सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ऑप्टेन के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद डीजे लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अभी भी 599 डायमंड्स हो रहा है, लेकिन हम जैसे परचेज के ऑप्शन पर क्लिक, जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो डीजे लॉक है बिल्कुल ही फ्री में यहाँ पर आ गया है। और ये बिल्कुल जेन्यून ट्रिक है, 100% वर्किंग ट्रिक है, आपको मैंने लाइव प्रूव करके दिखाया है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको खरीद सकता हूँ और खरीदने के बाद मैं अपनी आईडी के अंदर आराम से इसको खेल सकता हूँ। तो आप इस ट्रिक को जरूर से अप्लाई करना, आपके अगर नहीं होता है तो मेरे को जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना। आप स्टेप बाय स्टेप अगर इस ट्रिक को अप्लाई करते हो तो आपके भी 110% हो जाएगा। अगर आपने अभी